Hi, everyone. I hope everyone can see me. I'm pretty not sure. But yes. Can you guys hear me? Like, I really want to know. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके. सो आई थिंक हमको ये तो जानने की जरूरत ही नहीं है कि हम आज हमारे साथ लाइव होने कौन वाला है. Everyone knows that इतना such a sweet person. मतलब तीन लोग हैं हमारे साथ, तीनों इतने sweet है, इतने hard working है कि जितनी भी तारीफ करो उनके बारे में कम ही है. And today this is also special because हम लोग we are celebrating 102 million of their recent song Wafa Na Raas Aayi, and I'm so excited to talk to them. आप जल्दी जल्दी join करो, then we are gonna call everyone. And I want to hear आप लोग क्या उनसे पूछना चाहते हो, क्या उनसे बात करना चाहते हो. We'll take all of your questions and let's see if someone has joined us or not. I think Jubin is already there. Hi guys, कैसे हैं सब? COVID situation बाहर बहुत और लोगों के लिए बहुत sad है, कुछ लोग बहुत cope up कर रहे हैं. So how is everyone? I've sent Jubin request. I have also sent Himansh request. I'm waiting for them to join. Who's going to join me first? Let's see. Tab tak, I'm putting the song so that everyone can hear it, and meanwhile these people are joining us. Jubin, can you hear me? Like, I want Rolly to message. If you are not able to join in, we can come back again. You know, sometimes when you are super excited, this whole thing happens ki hum log online to aa jate hain but phir logo ko join in nahi kara pate hain. और अनवांटेड टाइम्स में मतलब ऐसे कहीं से भी इफ वी आर गोइंग लाइव आराम से लोग ज्वाइन इन करते हैं. आई गेस द लॉट ऑफ पीपल सेंडिंग अस रिक्वेस्ट. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू सेंड मी रिक्वेस्ट बिकॉज आप लोग इतनी रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि जुबिन और हिमांश हमको ज्वाइन इन नहीं कर पा रहे हैं. तो या जस्ट स्टॉप सेंडिंग रिक्वेस्ट ताकि मैं उन लोगों को लेकर आ सकूं. Just hold in. Jubin, I am sending you request and you accept it, okay? See if you have received it. You just need to accept it. 330. Oh my God, finally. Hello. Hi. What's up? How are you? How's it going? Can you hear me? वेरी गुड. मतलब मैं आप बिलीव नहीं करोगे इतनी टेंशन में आ गई थी कि यार मेरा चेहरा लोगों को दिखने वाला है अभी. जो भी अनेबल टू रिजॉइन अनेबल टू जॉइन और नहीं हो पाएगा यार. कहाँ हो आप? हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू डूइंग? हाउ इज इट गोइंग? हाउ इज लॉकडाउन? यू गाइस आर इन दिल्ली? आई एम इन दिल्ली. यस. यू आर इन देहरादून और मसूरी? आई एम इन मसूरी राइट नाउ. ओके. ओके, टोटली परफेक्ट. मतलब कैसा लग रहा है लॉकडाउन 2.0 आ गया है? ऐसा लगता है दोबारा से 2020 में चले गए हैं हम लोग. हाँ, आई थिंक यार देखिए लॉकडाउन तो यहाँ पर अब उत्तराखंड में अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा केसेस स्प्रेड हो चुके हैं. सो आउट हियर द होल कम्युनिटी एंड एवरीबॉडी मतलब इज गेटिंग टुगेदर टू वर्कआउट. यहाँ पर ट्राइबल एरियाज बहुत सारे तो बस उसी में लगे हैं हम लोग. वी आर जस्ट लिविंग वन डे एट अ टाइम एंड जस्ट स्प्रेडिंग द मैसेज टू स्टे होम एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ कोविड. दैट्स द ओनली सॉल्यूशन हियर. करेक्ट, आई एग्री. मतलब एक आर्टिस्ट के लिए सेन होना एंड म्यूजिक, मतलब म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिसिन. आई फील लाइक इट्स अ थेरेपी. ओह माय गॉड, लुक, द ब्यूटी हैज जॉइंड अस. ओह हेलो, हाउ आर यू गाइस? वेरी गुड, हाउ आर यू? All good and congratulations for 100 million plus more and more. Congratulations to you too. It's amazing. It's amazing. I mean, I think me and Arushi, we knew that, you know, whenever we spoke,
we always spoke about knowing how good this song should be doing or would be doing, you know, even before it released. Hey, what's up? What's up? Baba, how are you, Rishi? Hi, I'm all good. Hi, what's up? What's how are you, Baba? What's happening? It's Baba, so nothing. Good to see na aise hasne wale chehre after a long, long time. That's important. You should always keep smiling in life. Correct. The lockdown look. बाबा हम सबका सेम हो गया देखो बाल सब के वापस घर बैठे बैठे अरुषि तो इतना वर्कआउट करती है वीडियोस डालती रहती है फिटनेस वर्कआउट के से बाबा हम दोनों ही मुझे लग रहा है वफा वफा नाराज़ है हम दोनों ही गाना शुरू हो गया अभी अरुषि ने उसने पूरा एक Your Wafa Naraz like I, your Wafa Naraz I look has become the lockdown look also. What do you want to say about that? Baba, unintentional, but this is how it is. You can't do anything about it now. There's no guy to haircut for the haircut. अभी कोई है ही नहीं यहाँ पे. The boy lives in Bombay who used to do my haircut. So now I think all the while promoting अपना Wafa Naraz I जितना promote किया अभी हमने. उसे प्रमोट करते 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 वो फील में भी आ गए अभी अब आपको वापस एक अच्छा गाना देना पड़ेगा भले ही हम ना हो उसमें बट प्लीज इससे बाहर भी निकालो हमें खुश भी रहना है हिमांश का तो दूसरा गाना है हिमांश ने तो सोच लिया है कि मैं हमेशा या तो जुबिन से लड़की ले जाऊंगा छीन कर या जुबिन मेरे से ले जाएगा ऐसा कुछ होगा या मैं धोखेबाजी से मर ही जाऊंगा मतलब यहाँ आरुषि इतनी प्यारी धोखेबाज निकली ना कि मतलब पता ही नहीं चल पा रहा है कि लड़की को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है या चाहती नहीं थी समझना आज तक वो सवाल है a lot of his fans actually are so happy I'm talking about you baba a lot of your fans are so happy because every time this was a jinx आपके साथ में आपके गाने में लड़की कभी आपके साथ वापस नहीं आती है आप चले जाते हो तो वो टोटका आपने मुझ पे डाल दिया अब तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सही जा रहा था बिल्कुल अभी पिछले दो गानों से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिगड़ गया है नाउ यू आर लिविंग द स्वीट कर्स यार कह रहा मेरे को तो ऐसे मतलब ठीक है मेरे को तो पता ही नहीं चलता लड़की कब धोखा दे गई कब मैंने दे दिया हो क्या रहा है कुछ मतलब पता ही नहीं लगा ना इट हैपेंड इतनी जल्दी हुआ सब कुछ इतनी जल्दी होना शुरू हुआ गाने के अंदर भी कि कुछ पता ही नहीं लगा लाइफ में बट प्लीज बाबा थिंक अबाउट इट नाउ यू लिटरली हैव टू गेट अस आउट ऑफ द जोन सो बाबा द थिंग इज आई हैव हैंडेड ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हार्ट ब्रेक्स टू यू एंड आई एम गोना बसाओ माय घर इन माय नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो बाबा खुद का घर बसा लिया दूसरे का उजाड़ दिया आप कह रहे हो शनाइयां भी यही बजेंगी सही है बाबा आई वुड बी वेरी हैप्पी ठीक है ना चाहते हुए भी अब लाइव है बाबा बोलना तो पड़ेगा ना यार खुशी खुशी मैं आपका ये गम अपने सीने पे लेना चाहूंगा बात बाद में करना चाहूंगा चलो कूरो के साथ ही छोड़ दो कूरो से ही प्यार मिल जाए बाबा आरुषि सो व्हेन यू वर शूटिंग सो दीस पीपल वर लाइक दैट ओनली मतलब कुछ भी बोल के कुछ भी हंसते हैं मतलब ऐसे मतलब बिल्कुल चिल आउट या क्या हाउस इट So, we first met Himansh. I met him in Mumbai, like while trials. So, वहाँ से लेकर और when I met Himansh on the set for very first time, and I was very scared of him. He was so serious, so focused. लगा था यार अगर मैंने एक दो टिक अगर गलत दे दी तो I don't know whether he's going to be pissed off or what he's going to do. No. Not really. But Himansh, you were very serious. I must tell you that you were scared of you initially. अभी फ्रेंड्स हम बाद में बने ना अरुषि क्या करे अब गाना हो गया फिनिश हो गया घर बैठे बैठे लॉकडाउन में तुम अपने घर वहां से तुम गा रही हो यहाँ से मैं गा रहा हूँ पहाड़ों में बाबा गिटार लेके गा रहे हैं तो वो बॉन्डिंग जो हमारी लॉकडाउन में हुई है ना वो शूटिंग पे भी नहीं हुई थी और नहीं और हम बोल रहे हैं यार कोई तो गा लो हमारा लॉकडाउन से यार कोई तो गा लो बट हिज वीडियोज बाबा देखो पूरा नेशन जानता है पूरा वर्ल्ड जानता है आप जब गाते हो तो सब थम जाते हैं उस समय मैं तो डेफिनेट बाबा आई लव यू एज अ फ्रेंड यू आर माई लाइफ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ योर फैंस सो वेन एवर आई लिसन टू यू जेन्युइनली आई लिसन टू यू बाबा ट्रांस में ले जाते हो चाहे आपका कोई गाना हो अभी मैंने आपका एक रिसेंटली गाना सुना
मुझे ईदी मुझे दिला दो जी। क्या बात तो है, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि हर जगह बाबा आप जो मैजिक कर रहे हो लोगों के इस समय, जो लोगों को सुकून दे रहे हो, उनके दिलों को सुकून दे रहे हो, अब आप बहुत ब्लेसिंग्स वाला काम कर रहे हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई हैव अ ब्रदर लाइक यू बाबा। बाबा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड दिस वाज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट, मतलब ये ऐसा एक गाना था जो मैं चाहता था कि इस तरह से हम लोग कर सकें, सब साथ में कर सकें। एंड आई रियली वांटेड दिस सॉन्ग टू बी द वे इट इज, हाउ यू गाइस बोथ हैव कम ऑन बोर्ड विद द सॉन्ग एंड हाउ यू हैव गिवन लाइफ टू इट, इट्स वेरी नाइस है। मतलब हार्ट वार्मिंग तो डेफिनेटली है। एंड बाकी तो फिर आपकी लुक्स और आपके एक्सप्रेशंस और ये खतरनाक लड़की, शी इज अमेजिंग हाउ शी इज परफॉर्म देयर एंड इट्स क्रेजी फॉर अ यू नो इट। आई थिंक दिस वाज योर फर्स्ट म्यूजिक वीडियो आरुषि? इट वाज माय फर्स्ट टाइम इवन ऑन द स्क्रीन कैमरा। हाउ इज इट फीलिंग बाय द वे फॉर योर फर्स्ट सॉन्ग टचिंग 100 मिलियन, द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू हिट इट हार्ड, इट्स 100 मिलियन स्ट्रेट, हाउ डू यू फील? हम बांट लेते हैं यहाँ पे, हम तीनों लोग हैं बाबा। आपको मैंने लुट गए दे दिया, लुट गए आपका हो गया, आरुषि वफा ना आपका हो गया, और मैं जिस दिन बुला लू ले लेता हूँ। सबके ऊपर इतना अच्छा जा रहा है आरुषि। From the day you started to what it is right now, even in a lockdown where all of us cannot promote it to our best, हम लोग सब लाइव आ रहे हैं अपने गाने को जितना प्रमोट कर सकते हैं via reels, still the nation is loving you all, I mean all of us including me there. So exactly, so how do you feel? It feel amazing and you know अभी जुबिन भी यही बता रहे थे कि हम लोग कभी भी बात करते थे इस गाने के बारे में, आई डोंट नो व्हाई वी वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट दिस गोइंग टू बी अ ग्रेट सॉन्ग, अ ग्रेट हिट, एंड राइटली सेड बाय हिमांश, बिकॉज वी कुडंट डू एनीथिंग टू डू प्रमोशन, यू नो मीन वी हैड सो मेनी प्लान्स, वी हैड टू गो मेनी प्लेसेस, लॉट मेनी थिंग्स, और वो हम नहीं कर सकते। बाकी के गाने को इतना प्यार लोग दे रहे हैं तो मुझे लगता है आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, यू नो I could count for my future, certainly. Wow. It's probably one of the best boosts, I personally feel. पहली जब चीज आप लाइफ में अटेम्प्ट करते हैं बाबा, हम दोनों तो थोड़ा टाइम हो गया अभी, आरुषि की भी बिल्कुल बिगिनिंग है, सो यू नो दैट फीलिंग ना बाबा, जब आप पहली बार कुछ अटेम्प्ट करो और आप उसमें एकदम किल कर देते हो। नहीं बट बाबा, बोथ ऑफ अस डोंट नो दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू बट आई डोंट नो दैट बिकॉज माय फर्स्ट सॉन्ग डिड नॉट गिव 100 मिलियन। I don't know how she's feeling right now. I'm just feeling so good. बाबा आपके गाने ने भले ही 100 मिलियन ना किया हो, लेकिन आप तब भी पूरे कंट्री नेशन की इंस्पिरेशन बन चुके हैं बाबा। आपका वो जो वीडियो है, द वीडियो ऑफ यू गेटिंग रिजेक्टेड ऑन अ शो, फ्रॉम देयर यू हैव बीन रिजेक्टेड, एंड लाइफ में कितने रिजेक्शन आते हैं बाबा, कमिंग आउट ऑफ इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो एक इंसान को सही समय पे अपनानी पड़ती है। आपने उस समय अपने आप को अपने आप में बिलीव किया, हमेशा से आपने अपनी वॉइस में बिलीव किया, समय आपका कभी कभी साथ नहीं देता, सही बात है, हर लोगों के साथ में होता है, दैट देयर इज अ टाइमिंग, देयर इज अ डेस्टिनी। जब आपका टाइम आया, आपने जब तक उस टाइम में तक आपने अपने आपको बाबा इतना निखार दिया कि आसपास कोई और रहा ही नहीं ना बाबा, एवरी पर्सन वॉज एडमायरिंग यू नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हु यू आर बट फॉर योर टैलेंट फर्स्ट। आप जब गाते हो, I remember my very first perception about you. I saw Jubin Nautiyal in a video where he's singing in a guitar, वही mountain boy जो हम बोलते रहते हैं। Now let's reveal the reason also why we call each other Baba, because we are so called Pahadi Babas all the time. So this is love and respect for each other. So I was talking about Jubin walking on the mountain. And वहाँ पे वो गाता है और वो वीडियो मैंने पहली बार देखा, एंड द फर्स्ट टाइम आई हर्ड एंड आई वाज लाइक वाओ माय गॉड, ये इंसान कहाँ लेके जा रहा है यार। एक इंसान ट्रांस में तभी ले जा पाता है जब वो
वो फील करे अंदर से. मैंने आपको शोज में गाते तो नहीं देखा, बट मैंने एक शो देखा आपका, जो आपका डिजिटल शो था, जहाँ पे आई वॉज सो ऑनर्ड आपने मुझे बुला लिया वहां पे. रात का समय था, आई थिंक कुछ एक महीना हो गया होगा इस बात को, अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले. इट हैपेंड आरुषि एंड वी वर जस्ट, आई वॉज जस्ट थिंकिंग व्हाट वुड आई डू ओवर देयर. इट्स हिज रिकॉर्डिंग, हिज शो, बट व्हेन आई सैट देयर मैं एक बारी भी नहीं उठता था वहां से, बिकॉज ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग ओवर देयर. How he was carrying the entire show on his shoulders. No matter, there are a lot of people supporting. Your band is the key, main key, जो आप जिनके साथ में आप उसको लोगों को feel कराते हो. So Baba, the journey from there to here now, how do you feel now? And includes all your 500 millions of Lut Gaye, Jis Din Bhula Doos, all the songs. Baba, journey from there till here, it's very simple. I just feel blessed कि आज तक जितने भी लोगों से जुड़ा हूँ, मैं दिल से जुड़ा हूँ, जितने लोगों से मिला हूँ, अच्छे लोगों से मिला हूँ. I've never met bad energies in my life, touch wood. Like I've, that's probably my biggest blessing. I've, all the people I've worked with, all the people I've known, have all been very genuine artists and very, very genuine people who genuinely feel good about life and each other, human beings and stuff. And I think all three of us also connected. And Garishma, you too, man. I think you are also a part of this, because I think I have known all three of you, and I feel very, very honored to know all of you personally. Apart from our work relation and everything, I think we all have formed a very personal bond also, which is why I think Wafa Narasa is such a special song, which is why I think we are so happy about the success of the song, which is why I think even due to such difficult circumstances, we are still celebrating and we are still enjoying the fact, I think, just because of that mutual love and respect, artist respect for each other. Correct. And, it's life is a celebration. It's a tough time. I mean, if we don't smile and give people courage, then when will we give them? Like, it's a beautiful thing that we are doing. And I was very skeptical. We were very skeptical whether we should go live, nahin kare, kya kare. Then I figured ki nahin yaar, abhi to himmat dene ka time hai. Agar hamare hi artist, hum log khud hi logo ko himmat nahin denge, to, you know, kaise chalega. And Arushi, you know Jubin from previous days, right? Aap log aise bachpan from the mountains. We've been family friends. ये नई स्टोरी मुझे नहीं पता लगी, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा थोड़ा सा, कुछ विस्तार में बताइए हमें, पब्लिक देख रही है पूरा. I guess we know, we met many times before, and Zubin family, his father, my father is known since quite long time. पर कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि Zubin and me can talk about work and you know plan something. I think ये भी एक बहुत अच्छा coincidence है. बहुत मजे की बात है, आई थिंक Zubin को नहीं पता था आई एम गोइंग टू बी इन द सॉन्ग, एंड आई हर्ड दैट मॉल रोड वाली स्टोरी. या लाइक आई नो दैट मॉल रोड वाली स्टोरी. इवन Zubin को नहीं पता था कि वो ये गाना करने वाला है. इट वाज हिमांश. बाबा आप कर लो ना प्लीज. हां, मुझे खुद भी नहीं पता था. हिमांश हैड गॉट दिस सॉन्ग एंड वी हैड जस्ट हैड अ वेरी 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 intense and a very cool party in Missouri. It was close to New Year's. And we were walking back. New Year's night only first. We were walking back and we were walking back in our own spaces. We were walking back to the place, and on the way back on the mall road, he said that there's this song, I'm doing a music video, and I'm still thinking about how the song will be, how the music video will be, should I do music video. He was just discussing normally how things are with the thing. So, and I said that play me the song, and he played me the song, and I told him that's a great song. And then Himanshu is like, Baba, if you will sing it and we can do this together, it will be like so cool. And I was not very sure actually ki whether I will be able to justify the song or not. But then one thing led to another. I went to dub it. Trust me, the dub surprised me as well. It surprised me to such a level that, matlab, I was not expecting myself to sound that good on the song. And I was also as surprised as probably Meet Brothers and the people. They were like, wow, man, you're sounding so good on the song, and how the vocals is coming out is very, very special. एंड बस यार उसके बाद से जब एक बार हम लोग ने सबने हाथ जोड़ लिया, हाथ एक बार मिला लिए, फिर उसके बाद तो सब वी आर वन सॉन्ग. धमाका होना ही था. मतलब इसके जिस दिन हम लोगों ने ये गाना सुना, उसके अगले दिन ही हम लोग दोनों
he called me. He's like, Baba, we are going to Mumbai tomorrow, early morning. Jubin's, I think everything was packed. I was living with him only in the same jagah pe hum ruke hue the dono hotel mein. And he said, we are flying tomorrow morning. And उन्होंने मुझे उस समय बताया नहीं कि वो ये गाना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. उन्होंने बस बोला बॉम्बे जा रहे हैं. और मैं वहां से बॉम्बे से अपना घर गया. ये सीधे गए T3 एयरपोर्ट में उतरे और मैं घर पहुंचा. शाम को मुझे इनका वापस कॉल आता है. He's like, बाबा कम, I have to make you something. And मैं मतलब पहले ही एक्साइटेड होने लग गया क्योंकि मुझे ऐसा हिंट तो हुआ कि ये कुछ करके आया है वापस और ये अब ऐसे गए हैं तो कुछ तो क्रेजी करके आए होंगे. मैं रात को घर पहुंचा इनके. हम लोगों ने वो गाना सुना फर्स्ट टाइम. आई एम लिटरली टेलिंग I had tears in my eyes at that time. It was like bang gone. वो कहते हैं ना कुछ गाया और वो सीधे सीना पार कर गया चीरते हुए आपके. This is the magic of his voice. And Arushi, when did you get to know that you're doing the song? Or what was it? Because it's your first. मतलब कितना ज़्यादा. Yeah, I would want to understand that. How even me? How it started? How did you get into this project? I want to know that. Yes, pleasant surprise. So surprising thing for me too, because मुझे बस ये बताया गया था initially when Bhushan ji and we were discussing something, you know, before I step into for a real project, doing a real movie. You know, we should try something musical also, and it will be a great experience for me to see ki how camera works, how the team works. And I have been a Kathak exponent, but it is very different from, you know, being a performer and being in front of camera. These are two different things. To baat hui aur kaha ki aise ek music video karte hain. So I said, okay, fine. I trust Bhushan ji blindly. He is planning something perfect. Now I received the story. And the story make me really worried because in this story, I am going to make Himansh Kohli cry. And this sweet boy going to cry because of me. So in my first song, basically people going to hate me. So I was in doubt that why Bhushan ji are doing this with me. You know, people going to hate me in my first song. But you know, there you get into the story, and the song came in. I started to read and understand the character more deeply. So, अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस generation की एक लड़की जो बहुत clear है अपने ideas में, what she really want in her life, what she don't want in her life, that talks about it. So, I feel proud to be part of this whole subject. And play this character and being with this dream team. Zubin was there. हमारे आशीष पांडा जी ने बहुत ही अच्छे से मुझसे काम कराया है. मैं going on his instinct. And Himansh, Rohit, Suchanti, and the whole team. You know, it was a wonderful and beautiful experience. सॉन्ग में I'm talking about expressions. So वो मोहित ना ऐसे आरुषि को थोड़ा सा धक्का देता है and Himansh sitting एकदम सामने like and there's a scene like वो थोड़ा and I'm like मैंने BTS देखा है उसका so I'm like यार shit अभी गिरी आरुषि अभी फिर से धक्का देता है और वो सीधा नीचे and like holding back swimming आती है आप लोगों को मतलब what were you doing so Ashish did a brilliant job and then she's like no यार like I'm fine don't do that pull me back. How many times you are seeing Himansh is doing that Chappu is actually doing. So proud goes to Himansh. He did a lot of cardio while we were shooting and it was amazing. And that cold, imagine my hand in that dull lake pani, ekdam jama hua barfila pani and it's going again and again on Himansh's face. So it was very, very challenging. Like how did you feel Himansh ने ऐसे overcoat पहना हुआ है? I am sure उसने अंदर भी बहुत कपड़े पहने होंगे इतनी ठंड. नहीं नहीं नहीं. Yes Himansh you would. नहीं नहीं ये 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 मुझ पे साफ साफ इल्जाम लग रहा है. मुझे सिर्फ एक फेरन दी गई थी और आशीष भाई ने ये भी बोला था कि इसी से काम चलाओ बजट इतना ही है इससे ज्यादा नहीं मिला है. और अगर आपको फेरन से ज्यादा कपड़े चाहिए तो भूषण जी से बात कर लो अपने आप तो
No, but ideally the concept of me wearing a Fearon, I loved it initially when I जब हम कश्मीर पहुंचे तो मुझे लगा कि यार ये लुक के लिए बहुत अच्छा होगा, कैरेक्टर के लुक के लिए बहुत अच्छा होगा, बट जब पहना इट मेड मी फील सो कम्फर्टेबल दैट आई वॉज जनरली नॉट वेयरिंग एनीथिंग एल्स, आई वॉज जस्ट वेयरिंग माई बॉडी वार्मर एंड दैट Fearon एंड नथिंग एल्स इन दैट माइनस टेम्परेचर. तो मुझे अब तब बाद में समझ आया कि यार व्हेन क्यों कहते हैं ना व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन व्हेन इन कश्मीर बी लाइक कश्मीरी, तभी आप बच सकते हो वहां पे. तो ये जो बर्फ का फंडा है ये फंडा सिर्फ वैसे ही बीट जो सर्दी है वैसे ही बीट की जा सकती है. बट आई ऑल्सो हैव टू गिव द क्रेडिट टू ऑल दोज जितने हमारे को वो कहवे मिलते थे, कहवा कश्मीरी कहवा कहा, जिसका कहा बाबा आई यूज टू आई कॉल्ड इट कहावा बट द कश्मीरीज एवरी टाइम उन्होंने पता है से बोला कहवा कहवा. तो मैं उन्हें फिर कहावा बोलता वो फिर मुझे बोलते हैं उसके बाद में कि इट्स कहवा. सो आई वाज लाइक चलो ठीक है समझ सकता हूँ मैं. और वो पूरा टाइम हम लोग अपना चिल करते रहे, कहवा पीते रहते थे. मेरा तो वर्कआउट भी अलग चल रहा था क्योंकि चप्पू चला रहे हैं एवरी टाइम इज लाइक नाव भगाओ यहाँ लेके जाओ वहां लेके जाओ. सो मेरा गुड 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 वन ईयर ऑल टुगेदर. सो मेनी थिंग्स अगेन जब भी हम देखते हैं सुनते हैं वीडियोस देखते हैं. आज मैं इंस्टा रील्स देख रहा हूँ, हमारे रील्स इतने ज्यादा बन रहे हैं इस गाने के. और हम तीनों का अलग चल रहा है, मैं बता रहा हूँ मफाना रासाई रील वर्जन. वहां से आरुषि अलग लगी अपने घर से, यहाँ से जुमिन अलग लगे हुए और मैं वहां पे दिल्ली के अंदर बैठा हूँ टैंकियों के ऊपर या छत के एसीओ के ऊपर बैठ के वहां से भी अलग घुमा रहा हूँ. That tanky reel was very nice. Best, huh? Best वो था. Jubin went somewhere and just were picking up the phone and he's talking. Yeah. And then Arushi also is like, yeah. Love, no, rejected. I'm not talking to you. Abhi, is this the same cafe? सिर्फ ड्रोन है और कुछ नहीं है. वो ड्रोन भी पड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है. इट बिलोंग्स टू माय नेबर, वेरी स्वीट किड. फ्रॉम माय नेबर सो ही कॉल्ड मी, ही इज लाइक भैया मेरे पास ड्रोन आया है, उड़ा के देखना चाहोगे आप? तो मैंने कहा मुझे ड्रोन उड़ाना तो नहीं आता भाई. सो देन ही सेड कि आप मेरी कंप्लेंट तो नहीं कर दोगे? तो मैंने उससे बोला नहीं करूंगा यार, मैं कंप्लेंट क्यों करूंगा, तो अपना ड्रोन उड़ा जहाँ पे भी उड़ा रहे. सो देन ही सेड कि नहीं आप फोन से कैमरा से शूट कर रहे थे उसे. तो मैंने कहा भाई मैं तुझे शूट नहीं कर रहा था, मैं लिटरली कुछ और उस पे काम कर रहा था. तो देन ही सेड भैया मुझे डर लग रहा है. मैंने कहा एक काम कर, तू चल मेरे पास टेरेस पे आ, तू मेरा वीडियो शूट कर दे, वही मैं पोस्ट कर देता हूँ, इससे ज्यादा तो और कुछ प्रूव कर नहीं सकता. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ द वीडियोस वर मेड. द ड्रोन फुटेज इट वॉजंट रियली प्लान्ड एट ऑल, इट जस्ट हैपेंड. एंड हाउ आई वॉज अगेन थिंकिंग थिंग्स वर जस्ट अलाइनिंग फॉर दिस सॉन्ग. That no efforts and still it's going smoothly everywhere, every possible place. People loving it, talking about the song. Baba ki side se pura aaya, Arushi ki side se pura, sabko ek massive support mil raha audience ka. I am looking at all the comments specially now. Voice, 100 out of 100. Acting wise, let them decide. But yes, the efforts counted. At least that is that one thing. And also, again and again, I keep on calling our director Ashish bhai, और वो हमेशा मुझसे ऐसे अब तो यही बोलते हैं मेरे दो लाल एक जुबिन और दूसरा वह बना हुआ उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन दैट बाबा क्लैन एंड नाउ आरुषि इज ऑल्सो जॉइंड द क्लैन विद अस. तो ये क्लैन बढ़ता जा रहा है पांडा जी का. आपको आपकी अलग एक रील आइडिया बना, जुबिन अलग ही मतलब लगे हुए गिटार पे, उन्होंने तो ठान ली थी गाना लाइव होने से पहले ट्रेंडिंग पे लाएंगे और वो आया भी. और आरुषि आरुषि वाज सो परफेक्ट इन हर एक्सप्रेशन. लाइक आई एम सॉरी आरुषि, लाइक आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, लाइक यू आर सो गुड. कि आरुषि ने सोचा मैं सिर्फ डांस रील्स बनाऊंगी एंड आई विल किल एवरीवन विद माय होल एक्सप्रेशन लुक. नो बट दोस डांस रील्स वर सो कूल, वेरी गुड. या दे वर रियली गुड, डांस वर सो कूल. इट्स प्रोबब्ली इन योर गार्डन, राइट? या आई एम जस्ट शूटिंग इन माय गार्डन एंड माय ऑल सर्विस हैव बीन ट्रेन्ड फॉर मेकिंग वीडियोस अप टिल नाउ. दे नो ऑल द फंक्शंस ऑफ रील. So, it is also going on.
I see a little bit of garden on your wall as well. Yeah, it's in the background. Right behind you. that's the hanging garden. You sang here. This place is also birds who've been singing and sitting here. It's very, very nice. Thank you. Yeah.